आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आलू गोभी और मटर की सब्जी, वो भी हरे प्याज में। तो अगर आप नॉर्मल आलू गोभी मटर की सब्जी खाने से बोर हो गए हैं तो इस तरह का पार्टी स्टाइल सब्जी बनाइए अपने घर में, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और थोड़ा सा इसमें नयापन है, नए मसालों के साथ मैंने ऐड किया है कुछ फ्लेवर, तो इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा कैसे मैंने इस सब्जी को बनाई है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस ढंग से रेस्टोरेंट स्टाइल बनाइए और पार्टी स्टाइल अपने घर में और खाइए। हेलो फ्रेंड, कुक विद रानू में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आलू गोभी और मटर की सब्जी बनाना। सबसे पहले देखिए मैंने कढ़ाई को फ्लेम पर रख दिया है गर्म होने के लिए, और अब मेरी कढ़ाई थोड़ी गर्म भी हो गई है। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ सब्जी को। आप जिस ऑयल का अपने घर में यूज करते हो आप उस ऑयल का यूज कीजिए। थोड़ा सा आप ऑयल को गर्म होने दीजिए। तो देखिए अब हमारी तेल गर्म हो गई है, और इसमें मैंने ये एक बड़ी साइज की फूल गोभी है जिसे मीडियम से थोड़ी बड़ी, उसे मैंने छोटे छोटे इस तरह के पीसेस में काट लिए हैं। और आप इस तरह के छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, अच्छी तरह से धोकर और इसकी पानी को सुखा लीजिए। और अब हम इसको इसमें डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए गोभी को। इसे हम हल्का सा रेडिश करके तब निकालेंगे। अब देखिए हमारी गोभी अब ये फ्राई हो चुकी है और इसे अब हम निकाल लेंगे। तो इसे आप निकाल लीजिए और इसे अभी हमें फ्राई नहीं करना है गोभी को। और अब इसी ऑयल में ये मैंने 3 बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं जिन्हें मैंने इस तरह से देखिए बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हैं, और इसे भी आप इसमें डाल दीजिए हल्का सा रोस्ट कर दीजिए। थोड़ा सा गोल्डन कर लीजिए इसे और निकाल लीजिए। तो हमारे आलू भी हो चुके हैं और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। हल्का सा आपको रेडिश फर्स्ट करना है इसे, बहुत अधिक इसे लाल नहीं करना है। और अब ये जो बचे हुए तेल है उसी ऑयल में थोड़ा सा हम 1 टेबलस्पून ऑयल और डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये पचफोरन। और थोड़ा सा इसे आप जलने दीजिए पचफोरन को, और इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच हींग। जिन्हें हींग का फ्लेवर अगर नहीं पसंद हो वो इसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हींग डालने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे ये मैंने ग्रीन अनियन को कट करके लिया है। आजकल जाड़े में विंटर में ये हरी हरी प्याज मिलती है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी सब्जी अगर आप बनाएंगे आलू गोभी में या आलू पत्ते गोभी में ये बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने 3-4 हरी प्याज को काट कर लिया है, इसे हम हल्का हल्का भून लीजिए। ये बहुत ही जल्दी भून जाती है प्याज। हमारी प्याज अब भून चुकी है, अब बहुत अधिक इसे हम नहीं भूनेंगे नहीं तो ये जलने लगेगी। और इसमें अब जाएगा ये मैंने 5-6 काजू, 5-6 लहसुन और थोड़ी सी अदरक को ग्राइंड करके एक प्यूरी बनाई है। इससे इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। और अब हम इसे इसमें डाल देंगे। आज ये सब्जी थोड़ी सी अलग स्टाइल में बन रही है, जैसा आप नॉर्मल घर में सब्जी बनाकर खाते हैं उससे थोड़ी सी अलग, थोड़ा सा पार्टी वियरिंग टाइप का ये सब्जी है। इसे आप डालने के बाद अब इसमें हम कुछ अपने ड्राई मसालों को यूज करेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर,
हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर एंड हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, और स्वाद अनुसार हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। अभी मैं 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। आप बाद में अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट को चेक कर सकते हैं, कम या अधिक हो तो उसे मैनेज कर लीजिए। और अब इसे आप हल्का सा सारे मसालों को मिलाइए और इसे अब हम भूनेंगे। थोड़ी सी इसमें मैं पानी डालूंगी, 2 टेबल स्पून पानी थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और इसे मीडियम फ्लेम पे आप मसालों को अच्छी तरह से भून लीजिए। चलिए हम अपने मसाले को चेक करते हैं। तो देखिए अब इसमें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है और मेरे मसाले अब ये थोड़े पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ये अपने हरे मटर को। ये मैंने एक बाउल से थोड़ा सा कम हरा मटर है उसे मैंने लिया है, इसमें डाल दीजिए और अब इसमें मिला देंगे। और इसे मटर को भी ढककर हम कम से कम 2-3 मिनट तक पका लेंगे मसालों में, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिल जाए। तो अब मटर को भी मैंने 2 मिनट तक इसमें पका लिया है और इसमें अब मैं डालूंगी ये 2 मीडियम साइज की टमाटर को मैंने ग्राइंड करके लिया है। अब आप इसमें डाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए, क्योंकि पार्टी स्टाइल में बना रहे हैं नॉर्मल नहीं, तो 1 टीस्पून हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे ताकि इसका लुक पार्टी स्टाइल में लगे। ये तीखी नहीं होती है लेकिन इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, सब्जी का कलर आपका कई गुना बढ़ जाएगा। चलिए अब इसमें इन सारी मसालों को और टमाटर को मिला दीजिए और इसे ढककर टमाटर के कच्चेपन को खत्म करने तक हम इसे 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। आइए हम अपनी सब्जी चेक करते हैं। तो देखिए अब हमारी टमाटर भी इसमें पक चुकी है और ये ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमारे मसाले सारे भून चुके हैं। अब इसमें सबसे लास्ट में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला और आप इसे मिलाकर थोड़ा सा 1 मिनट तक और भून लीजिए। अब गरम मसाला भूनने के बाद हम अपने आलू और गोभी को इसमें डाल देंगे। और इसे डालने के बाद आप पूरे मसाले में इसे मिलाइए अच्छी तरह से और इसे 1 से 2 मिनट तक हम इसमें थोड़ा सा भून लेंगे, क्योंकि ये पहले से ही बहुत अधिक तली हुई है। इसे मैंने फ्राई करके लिया है तो आपको बहुत अधिक इसे भूनने की जरूरत नहीं है। तो इस ढंग से इसे थोड़ा सा 1-2 मिनट तक आप थोड़ा चला चला कर भून लीजिए। तो लीजिए हमारी आलू गोभी भी भून चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे पानी। आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं, अगर आप ड्राई खाना चाहते हैं तो इस ढंग से इसे ढककर 2-3 मिनट तक और पका लीजिए, तो आपके सारे आलू गोभी और मटर सारे अच्छे तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये सब्जी ड्राई भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो आप अपने इच्छा अनुसार जितना ग्रेवी चाहते हैं उस अनुसार रखिए। मैंने पानी को बॉइल करके लिया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये छोटे ग्लास से 1 ग्लास का पानी डाल रही हूँ। इस छोटे से ग्लास से मैंने डाला है, पहले मैं इसे मिलाकर देख लेती हूँ। बहुत अधिक पतला ग्रेवी नहीं करेंगे हम और बहुत अधिक गाढ़ी भी नहीं। तो इस ढंग से आप सारी सब्जियों को मिलाइए और अब इसमें मैं डालूंगी ढेर सारी ये धनिया की पत्तियां और इन्हें भी आप इसमें मिला लीजिए और इसे हम ढककर 3-4 मिनट तक पका लेंगे ताकि इसमें सारी सब्जियां अच्छे से ग्रेवी में पक जाए। तो देखिए हमारी सब्जी अब बनकर रेडी है। इसे मैंने 3 मिनट के बाद खोला है तो ये अब अच्छी तरह से पककर आप इस तरह से अपनी गोभी को एक बार तोड़कर देख लीजिए। अगर इजी वे में तोड़ जाती है तो इसका मतलब आपकी सब्जी बनकर रेडी है। तो चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये सब्जी? तो इस तरह से आप बनाइए अपने घर में और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर रेडी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए।
जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो भी मुझे सब्सक्राइब करें ताकि उनके नोटिफिकेशन पे इस तरह की यम्मी रेसिपी सबसे पहले पहुंचे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, टेक केयर एंड बाय।